में 23, 24, 25 फरवरी को होंगी G20 की बैठकें। खजुराहो को सांसद विष्णु दत्त शर्मा के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक रूप से G20 के लिए चुना गया। ईडी ने प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति की 4 मंजिले की जब्त। प्रफुल्ल पटेल ने आरोप से किया इनकार। वर्तमान निदेशालय ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के साथ इकबाल मिर्ची से संबंधित एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति की 4 मंजिले जब्त कर ली हैं। पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मुंबई के महंगे इलाके वर्ली स्थित सीजे हाउस की 4 मंजिले प्रफुल्ल पटेल के परिवार से संबंधित है। ईडी का कहना है कि इनकी जब्ती की पुष्टि के बाद अब पटेल परिवार को यह संपत्ति खाली करनी पड़ेगी। वास्तव में इस संपत्ति की कुर्की का आदेश पिछले साल ही निकला था। अब न्यायिक प्राधिकरण ने इन संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि कर दी है। इसी इमारत की 2 मंजिले इकबाल मिर्ची के परिवार की भी थी। ईडी द्वारा उन्हें भी जब्त किया जा चुका है। ये संपत्तियां व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल होती रही हैं। प्रफुल्ल पटेल पर आरोप है कि उन्होंने इकबाल मिर्ची से समझौता करके ये संपत्तियां खरीदी थी। ईडी का दावा है कि यह समझौता 2007 में हुआ था। हालांकि पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल बार बार इस आरोप से इनकार करते रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत जांच कर रही है। इस मामले में आरोप पत्र भी पेश किया जा चुका है। ईडी इस मामले में प्रफुल्ल पटेल से 2019 में पूछताछ भी कर चुकी है।